हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर। आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग 2023 में वोटर कार्ड के लिए, नया वोटर कार्ड के लिए या करेक्शन करने के लिए, या आपके वोटर कार्ड अगर खो गया है, लॉस्ट हो चुका है, तो आप उस वोटर कार्ड के लिए कैसे ऑनलाइन से आवेदन कर सकते हो। नया पोर्टल से, एक नया पोर्टल दिया गया है, वोटर पोर्टल। इस पोर्टल से आपको ऑनलाइन से उसके लिए एप्लीकेशन करना है। कैसे करना है उसका एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए वीडियो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को स्किप मत करिए, फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास बेल आइकन उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग्स रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, नया वोटर कार्ड आवेदन करने के लिए आपको पहले इस पोर्टल में आना है। इस पोर्टल का लिंक रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक नया पोर्टल दिया गया है, पुराना जो भी पोर्टल था उस पोर्टल से अभी अप्लाई नहीं हो रहा है। ये जो पोर्टल है voter.eci.gov.in, इस पोर्टल में आपको आना है। इस पोर्टल में आने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएंगे। इस पेज में आपको जो करना है, यहाँ पर ऊपर में आपको जो साइन अप बटन दिख रहा है, यहाँ पर आपको साइन अप वाले बटन में क्लिक करके आप आपका नाम, आपका फोन नंबर, ईमेल आई डी देके पहले आप यहाँ पर एक साइन अप कर लीजिए। पहले एक अकाउंट यहाँ पर बना लीजिए। अकाउंट बनाने के बाद आपको जो करना है, यहाँ पर आपको रजिस्टर जो फोन नंबर या आपका एपिक नंबर जिसमें जिससे भी आपने रजिस्टर किए थे, आपको पहले वो फोन नंबर यहाँ पर आपको डालना है। फोन नंबर डालने के बाद नीचे जो भी पासवर्ड अपने क्रिएट किए थे, वही पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है। पासवर्ड अगर भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करके पासवर्ड फॉरगेट कर लीजिए। नीचे जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड यहाँ पर आपको देना है। कैप्चा कोड देने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी में आप क्लिक करिए। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएंगे, वही ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको लॉगिन बटन में सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए ओटीपी यहाँ पर डाल देते हैं। ओटीपी मेरे पास आ चुका है। ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई एंड लॉगिन बटन में क्लिक करना है। वेरीफाई एंड लॉगिन बटन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएंगे। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू वोटर कार्ड के लिए 6 नंबर फॉर्म आपको देना है। ऑब्जेक्शन, यहाँ पर डिलीटेशन, वोटर कार्ड डिलीटेशन करने के लिए फॉर्म 7। शिफ्टिंग, इसके मतलब आप वोटर कार्ड अगर ट्रांसफर करना चाहते हो, करेक्शन करना चाहते हो, या रिप्लेस चाहते हो, या वोटर कार्ड आपका अगर लॉस्ट हो चुका है उसके लिए अगर चाहते हो, तो आपको यहाँ पर फॉर्म 8 आपको यहाँ पर फिल करना है। तो सभी डिटेल्स के लिए आपको अलग अलग फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है। आधार कार्ड लिंक करने के लिए वोटर कार्ड के साथ आपको 6B फॉर्म यहाँ पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, जो फॉर्म आपको फिल करना है। नया वोटर कार्ड के लिए आपको यहाँ पर राइट साइड में आपको एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। आप एप्लीकेशन यहाँ से ट्रैक करके देख सकते हो उसका स्टेटस। उसके बगल में सर्च इन इलेक्टेड रोल, आप कोई भी वोटर कार्ड नंबर देके आप इलेक्टेड रोल सर्च कर सकते हो। एपिक कार्ड यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया है। और वह ऊपर में नो योर पोलिंग स्टेशन का भी डिटेल्स आप देख सकते हो। नया वोटर कार्ड के लिए आपको फॉर्म 6 जो ऑप्शन, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ नया ऐसा कुछ पेज आएंगे। इस पेज में पहले आपको यहाँ पर आपका जो भी स्टेट का नेम सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो भी लोकसभा का नाम, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पर आपको डालना है। और यहाँ पर आपको बगल में आपको सरनेम यहाँ पर डालना है। फर्स्ट नेम सरनेम अलग अलग करके आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। दोनों चीज़ अच्छी तरीके से यहाँ पर डाल दीजिए। डाल देने के बाद आपका अगर कुछ भी गलत होता है तो यहाँ पर आप कीबोर्ड में क्लिक करके उसको सही कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका एक फोटो अपलोड यहाँ पर आपको करना है। अपलोड में क्लिक करके सिंपली आपको यहाँ पर सेव बटन में क्लिक कर देना है। तो आपका जो भी फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे, 2 MB के अंदर आपको फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर कुछ देर वेट करना है, फोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो फोटो अपलोड मेरा हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, हस्बैंड नेम, वाइफ नेम या लीगल गार्जियन नेम, किसका नाम आप आपके वोटर कार्ड में देना चाहते हो उसका नेम यहाँ पर सिलेक्ट करना। अगर फादर का नेम देना चाहते हो तो फादर यहाँ पर सिलेक्ट करके आपका फादर का नेम यहाँ पर आपको देना है। तो आपका फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद सरनेम में आपका फादर का सरनेम यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका अगर इस जो स्पेलिंग है इसमें अगर कुछ भी गलत होता है या भूल होता है तो आप यहाँ से उस स्पेलिंग को भी यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो कीबोर्ड से। तो यहाँ पर आप कीबोर्ड से आपका जो भी सही नाम है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो इस कीबोर्ड में क्लिक करके आप आपके हिसाब से यहाँ पर वो कर सकते हो, नाम सही कर सकते हो। यहाँ पर इसके लिए ही ये जो कीबोर्ड है यहाँ पर दिया गया है। तो नाम सही कर लीजिए, ठीक है। नाम सही करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट जो बटन है यहाँ पर आपको
क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट बटन में क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर के जगह पे आपको सेल्फ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। सेल्फ में क्लिक करके आप आपका खुद का फोन नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। खुद का फोन नंबर डालने के बाद आपको सिंपली सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है ओटीपी लेने के लिए। तो ओटीपी मेरे पास आ चुका है। ओटीपी यहाँ पर डालने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई बटन में क्लिक करना है। तो देख सकते हो ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली मेरा हो चुका है। उसके बाद ईमेल आईडी में आपको सेल्फ सिलेक्ट करना है, और ईमेल आईडी अगर है तो दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, ये ऑप्शनल है। तो आप यहाँ पर आपका जो मेल आईडी आप वो यहाँ पर डाल दीजिए। मेल आईडी डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद आपके पास अगर आधार कार्ड है, आधार कार्ड में सिलेक्ट करके आपका आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। आपके पास अगर आधार वर्चुअल आईडी है तो आप सेकेंड जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्लिक करके आप ऊपर आधार कार्ड आप वर्चुअल आईडी डाल सकते हो। तो आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट करके आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर। यहाँ पर मेल आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर। उसके बाद नेक्स्ट करिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर पहले आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ का साल है, ईयर है, वो यहाँ पर आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ ईयर सिलेक्ट करने के बाद मंथ सिलेक्ट करिए, उसके बाद डेट सिलेक्ट करिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th या 12th का सर्टिफिकेट या इंडियन पासपोर्ट, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड आपको कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स दोगे उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद चूज फाइल में क्लिक करके आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वो पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर 2 MB के अंदर वो यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर कुछ देर वेट करिए, अपलोड हो चुका है मेरा बर्थ सर्टिफिकेट। अपलोड हो जाने के बाद आपको सिंपली नीचे जो नेक्स्ट बटन में यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आप जेपीजी फॉर्मेट में भी वो डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर हाउस, बिल्डिंग या अपार्टमेंट नंबर, आपका हाउस का जो भी नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। हाउस नंबर आप कहाँ से मिलेंगे, आपको जब भी वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट का में आपका हाउस नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आपका हाउस नंबर यहाँ पर दे दीजिए, ये देना जरूरी है। और यहाँ पर आपको स्ट्रीट नेम या मोहल्ला नेम में आप आपका विलेज नेम, यहाँ पर आप विलेज या टाउन का नेम डाल लीजिए। उसके बाद इस बॉक्स में आपको यहाँ पर नीचे जो है पोस्ट ऑफिस का नाम आपको यहाँ पर डालना है, और उसके बगल में आपको पिन कोड यहाँ पर आपको डालना है। तो पोस्ट ऑफिस नेम आप यहाँ पर बोल डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड, आपको यहाँ पर पिन कोड डालना है, जो भी आपका पोस्टल पिन कोड। उसके बाद यहाँ पर तहसील मंडल में आपका यहाँ पर आपका ब्लॉक का जो भी नेम है उस ब्लॉक का नेम यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएंगे स्टेट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हाउस नंबर, वो यहाँ पर आपको देना है। हाउस नंबर देने के लिए आपको पहले इस जो पोर्टल, इस पोर्टल में आना है। इस पोर्टल में आने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर भी आपका ब्लॉक है उस ब्लॉक का नेम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ब्लॉक नेम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से आपका पार्ट नंबर देके आप आपका वोटर लिस्ट पहले यहाँ से सर्च कर लीजिए। वोटर लिस्ट के हिसाब से, पार्ट नंबर के हिसाब से मेरा यहाँ पर स्कूल आ चुका है। जिस भी स्कूल में मेरा जो फैमिली वो वोट दे रहा है उसी में आपको ड्राफ्ट रोल में आपको क्लिक करना है। जो भी स्कूल में आपका वोट हो रहा है उस स्कूल में ड्राफ्ट रोल में क्लिक करने के बाद इसमें जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड फिल करिए। उसके बाद वेरीफाई वाले बटन में क्लिक करिए, आपके सामने वोटर का पूरा लिस्ट यहाँ पर आ जाएंगे। उस लिस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर हाउस नंबर आपको मिल जाएंगे आपके फैमिली में जिसका भी वोटर कार्ड है उसके हिसाब से। वोटर लिस्ट सर्च करने के लिए आपको इस पोर्टल में आना है, वोटर सर्विस पोर्टल। इसी पोर्टल में आने के बाद सर्च इलेक्टेड रोल में क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली ऊपर में सर्च बाय एपिक यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका लैंग्वेज सेट करना है। उसके बाद आपका फैमिली का जिसका भी वोटर कार्ड है उसका वोटर कार्ड नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। बगल में यहाँ पर आपको स्टेट आपको डालना है, तो यहाँ पर वोटर कार्ड नंबर और स्टेट यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सिंपली सर्च बटन में क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो जो भी आपका फैमिली का वोटर कार्ड वो यहाँ पर डिटेल्स आ चुका है। व्यू डिटेल्स में क्लिक करके आप आपका फैमिली का जिसका भी वोटर कार्ड नंबर दिए थे उस नंबर का डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इस डिटेल्स में आपको यहाँ पर नीचे पार्ट नंबर और सीरियल नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस सीरियल नंबर के हिसाब से आपको वो जो पीडीएफ फॉर्मेट, वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपका जो वोटर लिस्ट में पीडीएफ फॉर्मेट में सीरियल नंबर के हिसाब से आपको डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सीरियल नंबर देख सकते हो 968 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका जो पार्ट नंबर 91 है और सीरियल नंबर 968 है। तो इस लिस्ट जो है, इस लिस्ट में से मुझे 968 नंबर में जाना है, सीरियल नंबर, उसमें मुझे मिल जाएंगे जो भी हाउस नंबर है उस हाउस नंबर को, ठीक है। तो 968 आपको नीचे आना है, 968 आपको यहाँ पर वो ढूंढना है।
तो यहाँ पर देख सकते हो 968 मेरे सामने यहाँ पर वो आ चुका है, मेरा फैमिली का ही किसी का वोटर कार्ड नंबर है। और यहाँ पर नीचे आपका हाउस नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये जो हाउस नंबर है इस हाउस नंबर को ही आपको यहाँ पर डालना है। आप यहाँ पर हाउस नंबर देख सकते हो N0103 यहाँ पर हाउस नंबर दिया हुआ है, इसी हाउस नंबर को वहाँ पर आपको डालना है। तो आपको पहले आपके जो फॉर्म है उस फॉर्म में आपको जाना है, इस फॉर्म में वही हाउस नंबर आपको यहाँ पर डालना है, इसके हिसाब से ही आपके वोटर कार्ड लिस्ट में आपका नाम उठेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स प्रूफ में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, जो है वाटर बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस कनेक्शन बिल। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है आधार कार्ड का, करेंट बैंक पासबुक का, पोस्ट ऑफिस पासबुक या इंडियन पासपोर्ट, ये रेवेन्यू, यहाँ पर लैंड रेवेन्यू का डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हो, रजिस्टर्ड लीज आपका रेंट जो भी डीड है आपका घर का वो डीड भी आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। आधार कार्ड देना चाहते हो तो आधार कार्ड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना। तो मेरा आधार कार्ड यहाँ पर स्कैन हो चुका है, आधार कार्ड मैंने यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर कुछ देर वेट करने के बाद आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड हो चुका है पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक करिए। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका फिजिकल हैंडीकैप का डिटेल्स दिया हुआ है। आप अगर फिजिकल हैंडीकैप हो तभी इस डिटेल्स को दीजिए, नहीं तो ये जो डिटेल्स है इस डिटेल्स को आप यहाँ पर नो कर दीजिए। ये ऑप्शनल है, ये सिर्फ फिजिकल हैंडीकैप के लिए ये डिटेल्स दिया हुआ है, तो इसको आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपको सिंपली नीचे नेक्स्ट जो बटन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद नेम ऑफ फैमिली मेंबर, आपके फैमिली मेंबर में जिसका भी आप वोटर कार्ड नंबर दे रहे हो उसका नाम यहाँ पर डाल रहा है। आप अगर आपका फादर का वोटर कार्ड नंबर दे रहे हो तो आपका फादर का नेम लिखना है, मदर का है या सिस्टर का या ब्रदर का, जिसका भी वोटर कार्ड नंबर आप दे रहे हो उसका नाम यहाँ पर लिखना है, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो देना है, और जिसका भी नाम दे रहा है उसका वोटर कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है, क्योंकि इस वोटर कार्ड नंबर का हिसाब से ही आपका जो लिस्ट में आपका नाम आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर आपका जो वोटर कार्ड नंबर फैमिली का उसका वोटर कार्ड नंबर दीजिए। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन में आपको क्लिक कर देना है, वोटर कार्ड नंबर एक बार अच्छी तरीके से यहाँ से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक करिए। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका गांव या शहर का नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए। स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट में आप रहते हो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, और सिंस में आप आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ और ईयर, ये दोनों चीज़ आप यहाँ पर डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ मंथ और ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मंथ और ईयर आपको यहाँ पर डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ मंथ ईयर डालने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर प्लेस फिर से एक बार आपको लिखना है, आपका जो भी गांव या शहर का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड फिल करने के लिए बोला जाएगा, यहाँ पर कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट बटन में आपको सिंपली क्लिक कर देना है। प्रीव्यू एंड सबमिट बटन में क्लिक करते आपके सामने पूरी फॉर्म प्रीव्यू के हिसाब से यहाँ पर आ जाएंगे। आप इस डिटेल्स में से पूरा डिटेल्स आप एक बार अच्छी तरीके से इस फॉर्म में से चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ सही है तभी आप इसको सबमिट करिए, अगर कुछ भी यहाँ पर गलत है या रॉन्ग आपने डाल दिया है वो यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर वो सबमिट आप करिए। तो मेरा जो पूरा डिटेल्स यहाँ पर, मेरा पूरा डिटेल्स सही है, मैंने यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स यहाँ से चेक कर लिया है। उसके बाद सिंपली सबमिट बटन में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको यस कर दीजिए। यस करते आपके सामने कुछ ऐसा मैसेज शो होंगे, तो इस मैसेज में से आप यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट क्लिक करके आप आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और ऊपर में आपको यहाँ पर एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगी, इस रेफरेंस आईडी की बाद में आपको ज़रूरत होगी स्टेटस आपका चेक करने के लिए। तो ऐसे ही आपको नया वोटर कार्ड के लिए 2023 में अप्लाई करना है, बहुत आसान और इसी तरीके से।